यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती स्वीकार कर ली है। ओवैसी ने इससे पहले एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, इंशाअल्लाह योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी के इसी बयान का सीएम योगी ने जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं, अगर वो बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए चैलेंज दे रहे हैं तो इसे पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वीकार करता है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अगले साल फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यूपी में चुनाव लड़ने की बात कही थी। उन्होंने लिखा था, अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। चुनाव में एआईएमआईएम के 100 कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे, इसकी सूची भी तैयार होने लगी है। पार्टी ने उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। हम ओम प्रकाश राजभर साहब की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा था, असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश के मतदाता बन जाएं, तो वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 20% है। उनकी हिस्सेदारी है तो सत्ता में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। उनका अधिकार है, मुसलमानों का भी हिस्सा है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी आगामी चुनाव में भी जबरदस्त सीट की उम्मीद कर रही है। वहीं सत्ता से बाहर कांग्रेस, बसपा और सपा जैसी पार्टियां सत्ता में आने के लिए दांवपेच लगा रही हैं। यूपी चुनाव को मोदी सरकार के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। इसकी तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं। ओवैसी आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यूपी से सटे बिहार में उनके 5 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसी कामयाबी वो यूपी में भी दोहराने की सोच रहे हैं।